कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली इस टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल्स में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 2014 में भी ट्रॉफी जीती थी। इस बार की जीत ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी का माहौल अलीगढ़ में देखने को मिला, जहाँ केकेआर के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह का परिवार रहता है। रिंकू सिंह के परिवार में इस जीत से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पिता खानचंद ने बताया कि कैसे पूरी टीम और खासकर रिंकू सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया। खानचंद है मेरा नाम। रिंकू जी कौन है आपके? लड़का है मेरा। अच्छा, जिस तरीके से रिंकू जी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो खेले भी हैं, कल के क्या जीते, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और अच्छा करा टीम ने, हमारी ने कहा है और मेरे लड़के ने भी बहुत अच्छा करा और पूरी टीम ने करा है और कल फाइनल जीती है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब खिलाड़ियों ने खूब साथ दिया है और कोच हैं तुम्हारे, वो हैं, मेंटर हैं, वो सब ने बहुत खुशी का माहौल है और रिंकू का और अच्छा करता रहेगा, अब तो कुछ ऐसा ही करा है और मुझे खुशी की बात है कि आगे भी खूब अच्छा करे। रिंकू सिंह के पिता खानचंद ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रिंकू और उसकी टीम भविष्य में ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन कर जीत हासिल करती रहे। उन्होंने आगे कहा कि रिंकू का खेलने का स्टाइल कुछ अलग है और उन्हें उम्मीद है कि रिंकू सिंह ऐसे ही तरक्की करता रहे और देश का नाम रोशन करे। हाँ, खूब जश्न मनाया था हमने तो, ऐसा मिठाई पटाखे खूब छोटे है काम में। रिंकू भैया को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या काम है? मैं वो तो खूब ऊंचाई पे जाएगा, कुछ दिन बाद है उसका तो खेली कुछ और है, अलग है का। और 18वें नंबर है तो वो कल जा रहा है वहाँ पे अमेरिका, तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई अगर उसका मौका मिले तो वो अच्छा करे, बस तो मेरी तो दुआ यही है। ऐसे खेलते रहे, देश का नाम रोशन करे। ऐसा ही खेलता रहे और अपने देश का नाम रोशन करे, अपनी टीम को जिताए, बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। क्या आप भी रिंकू सिंह और केकेआर की इस शानदार जीत से उत्साहित हैं? इस जीत ने न सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। रिंकू सिंह की मेहनत और उनके परिवार की दुआओं ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अगर आप में जुनून और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। लोकल 18 के लिए अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।